नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज बात कर रहे हैं रेन लिली के प्लांट के बारे में। ये बहुत ही सुंदर रेनी सीजन का फ्लावरिंग प्लांट है और जब जब इसमें बारिश की बूंदें पड़ती हैं इस प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है। तो मानसून सीज़न अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और बहुत जगह से मानसून वापस लौट रहा है। कहीं कहीं अभी भी बारिश हो रही है, हमारे यहाँ अभी भी बारिश हो रही है, जिसके कारण रेन लिली की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है और उसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। पर अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही तो कुछ एक काम से आप अभी भी अक्टूबर के महीने में रेन लिली के प्लांट में फ्लावरिंग पा सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे रेन लिली के प्लांट में बहुत सारी बड्स आई हैं और अभी आगे इसमें ना एक दो हफ्ते में बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग होने वाली है, तो मैं उसको भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी देखिए आप बड्स देख सकते हैं, बहुत सारी बड्स आई हैं। तो अगर आपको रेन लिली के प्लांट में अभी बड्स लेनी है तो ये तीन आप काम जरूर कर लीजिए। पहला तो रेन लिली की जितनी बड़ी हुई लीफ है उनको हटा दीजिए, ये जो है पूरी प्लांट की शक्ति ले लेती हैं जिसके कारण वो फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। तो हमें उसकी अच्छे से कटाई कर देनी है। उसके बाद जब आपके बल्ब के पास सनलाइट पहुँचेगी, धूप पहुँचनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लीफ जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो नीचे बल्ब तक धूप नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण प्लांट लीफ फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। तो जब आप इसकी लीफ काट देंगे तो सनलाइट पहुँचेगी, जिससे कि प्लांट फिर से बड्स बनाना शुरू कर देगा। दूसरा काम करना है हमको कि इसमें जितने भी बीड्स लगे होंगे, घास आई होंगी, वो सब हटा देना है। जो भी एक्स्ट्रा प्लांट लग जाते हैं कभी बार रेन लिली के गमले में, वो भी हमको हटा देना है, जिससे कि प्लांट हेल्दी ग्रो कर सकेगा। तीसरा काम करना है, अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो आप एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट अपने गमले में डाल सकते हैं, जो फर्टिलाइज़र लिक्विड बना के भी डाल सकते हैं। अगर बारिश हो रही है, मेरे यहाँ भी बारिश हो रही है, तो मैं इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दूंगा, क्योंकि रेन लिली के लिए रेन का पानी, वाटर जो बारिश का पानी होता है, वही सबसे बड़ी फर्टिलाइज़र होती है। बारिश की बूंदों से ही इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। देखिए कितनी हेल्दी प्लांट मेरा ग्रो हो रहा है और कितनी सारी बड्स आ रही हैं। अभी अक्टूबर की आज 1 तारीख है और देख सकते हैं आप मेरे प्लांट में कितनी सुंदर बड्स आ रहे हैं। तो ये लगभग अक्टूबर के पूरे महीने में इसमें फ्लावरिंग होनी है। तो अभी आप अगर ये कुछ काम कर लेते हैं तो रेन लिली के फ्लावर जितने ब्यूटीफुल होते हैं आपके गार्डन में खिलेंगे, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग लगती है इसकी। साथ ही रेन लिली के प्लांट को हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ उसे 5 से 6 घंटे की धूप जरूर मिले। धूप मिलेगी, पानी की बूंदें मिलेंगी, तो आपके रेन लिली में बहुत सुंदर फ्लावरिंग होगी। अगर पानी नहीं भी बरसेगा तो आपको उसको शावर की तरह पानी देना है, तब भी आपके प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। अक्टूबर मंथ में तो अभी आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो ही जाएगी, अगर आप ये तीन काम अपने प्लांट में कर लेते हैं तो। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये प्लांट बहुत ही अच्छा होता है, इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा और ये मल्टीप्लाई होता रहता है। हाँ, एक काम हमें और करना है, अगर फ्लावरिंग आ रही हो उसके बाद आपके रेन लिली के प्लांट में सीड बन रहा है तो आपको सीड को रिमूव कर देना है, क्योंकि हमें इस प्लांट को सीड से ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो बल्ब बनते हैं वो अपने आप मल्टीप्लाई होते हैं। अगर आप इस सीज़न में 3 बल्ब लगाएंगे तो सीज़न के बाद आप जब दूसरे सीज़न में ग्रो करेंगे तो 8 से 10 बल्ब बन जाते हैं, तो ये अपने आप मल्टीप्लाई होता रहता है। तो हमें इसकी सीड की ज़रूरत नहीं है, सीड काट देंगे तभी आपके प्लांट में और ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, क्योंकि प्लांट इस तरह बीज बनाने में अपनी सारी शक्ति वेस्ट कर देता है तो वो फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। तो बस आप भी रेन लिली को इस तरह केयर करिए और आपकी भी रेन लिली में अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने वाली है। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।